अब इस मन को आ, सही दिशा देने की आवश्यकता है और इसकी दशा सुधारने की आवश्यकता है तो उसके लिए आ, दो चीजें आप करिए एक बहुत अच्छे से प्राणायाम सीखिए और करिए और सच बात यह है अगर आप प्राणायाम ठीक से करने लग जाए और वो तभी होगा जब आपके आसन भी साथ में उतने अच्छे हों आपका ये जो डायफ्राम मसल है मजबूत हो आपकी मांसपेशियां मजबूत आपकी लंबर मैंने जो कमर है वो खूब कसी हुई हो स्वस्थ हो कि आप सीधे बैठ सके और फिर सही तरीके से प्राणायाम करें और दूसरे समय में चिंतन सत्य असत का करें अब ये बड़ी अद्भुत बात होती है, इतना चैलेंजिंग है खास करके वेदांत का विषय इतना चैलेंजिंग है उसको समझने के लिए ना पूरी खोपड़ी घुसानी पड़ती है उसमें तब जाके समझ आती तो कुछ ऐसा जो चैलेंजिंग हो ब्रेन के लिए ऐसा विषय को पढ़ना स्वाध्याय माने नया कुछ सीख रहे हैं आप अब जब आप नया सीख रहे हैं वेदांत दर्शन को समझ रहे हैं और साथ साथ आपका प्राणायाम चलता है तो धीरे धीरे क्या है मन बड़ा ही समझदार हो जाता है तो धीरे धीरे ये जो इसकी दौड़े हैं ना लेफ्ट राइट जो जाता है ये फिर अपने आप बंद हो जाती है मन बस आवे नान का कब जे पूरन कृपा हो किसकी एक ऐसा संत जो सिखाए तुमको कि बैठना कैसे दूसरी कृपा किसकी? तुम्हारी खुद की अपने ऊपर कि तुम इसके ऊपर टाइम दो समझो और उस साधना को करो भी सुनने से थोड़ा ना कुछ हो जाएगा सु सुनने के लिए जो तैयारी होनी चाहिए लोगों में तो वो भी नहीं है इस कारण सिर्फ सुनना काफी नहीं होता अगर सुनने की तैयारी पूरी हो जैसे अर्जुन की थी जैसे जनक की थी तो अपने गुरु को श्रवण करते करते में ही उनकी सारी अल्टीमेट जो प्राप्ति है वो उतने में ही उनको हो गई क्यों वो पहले से साधना कर रहे थे मन एकाग्र था मन वैराग्यवान था शरीर अनुशासन में था अभी आप महाभारत अगर पढ़ते हैं ना तो पांडव ही नहीं कौरव भी सुबह जल्दी उठते पांडवी नहीं कौरव भी सुबह जो है वो अपना सूर्य को अर्घ देना मंत्र जप करना ये भी करते हैं ऋषि मुनि ब्राह्मणों का सत्कार ये भी करते है महाभारत में आप पढ़िए उसको तो ऋषि वेद व्यास जब जब उनकी सभा में आते हैं दुर्योधन जैसा अहंकारी भी ये जानता है कि ऋषि आए तो उठ के खड़े हो जाते हैं चरण वंदना करते खुद नीचे बैठते उनको ऊंचा बैठाते और उनके आदेश का पालन करने की कोशिश करते हम आपकी क्या सेवा कर सकते पूछते हैं सिर्फ पांडव नहीं करो भी सो so, कभी कभी तो लगता है कि आज के तथाकथित धार्मिकों से भी ज्यादा अच्छा सुंदर जीवन तो ये करो लोग जीते थे लेट से रावण पुतले जलाए जाते हैं आज उसके पर क्या आप ये जानते हैं रावण से बड़ा भक्त कोई नहीं जितनी उपासना रावण ने की है बल्कि रावण कृत इतना सुंदर स्तोत्र तो है जटा तभी गलत जल नहीं इतना प्यारा सारी शिव की वंदना ये इन्होंने इन, दी है पर फिर भी हम उनको बुरा कह रहे हैं चारों वेद कंठस्थ थे रावण को ऋषि का पौत्र है ऋषि वो जो गंभीर साधना में चले गए हैं माने कैसी वंश में वो आया पर फिर भी उसको हम अभिमानी फिर भी हम उसको घमंडी क्यों कहते बहुत से गुण थे उसके अंदर सिर्फ एक ही तकलीफ थी वो खुद को ही भगवान समझने लग गया और अपनी वासनाओं के अधीन होकर के वो अनाचार करने लग गया इसलिए हम उसको असुर कहते बहुत सारी बातें ऐसी हैं ना कि बड़ा इजी है पॉइंट आउट करना रावण बड़ा बुरा था अरे रावण का जीवन तो देखो शिव को प्रसन्न किया स्वर्ण की जो किला उन्होंने देवी के लिए अपनी पत्नी के लिए तैयार किया था वो रावण की भक्ति से प्रसन्न होकर उसको दे दिया था चल तू ले, ले। कितना प्रेम होगा उनको कितना आशीर्वाद शिव का उसको मिला होगा पर शिव का यह आदेश कि अपने अहंकार पर काबू करो रावण उसको समझ नहीं पाया तो जीवन में मन में स्थिरता लाने के लिए बहुत आवश्यक है तीन चीजें हैं ईश्वर उपासना आपकी योग साधना और ज्ञान चिंतन अगर ये तीन चीजें आप ले आएंगे ना तो आपका तो नाम ही इतना सुंदर है फिर यथा नाम तथा गुण हो जाएंगी आप Nama Anandita, Firananda Pushkar. Hmm. How to remain focused on the pineal gland or the space in forehead at all times so that we can be under bliss.

और हमारे शरीर के अंदर जो बहुत सारी फंक्शनिंग है वो इसके ऊपर निर्भर होती है क्योंकि ये एंडोक्राइन ग्लैंड है तो यहाँ से हॉर्मोन्स की सिक्रेशंस जो है ये होती है और बहुत बड़ा जो इसका असर है वो हमारी नींद के सर्कडियन रिदम के ऊपर होता है आ, मैं बहुत डिटेल एनाटमिकली नहीं जानना चाहती हूँ क्योंकि दैट इज नॉट द क्वेश्चन पर आप ये समझिए कि अगर मोटा मोटी मैं बोलूँ कि पाइनल ग्लैंड क्या करता है तो आपकी रिदम को ठीक रखता है माने नींद में जाने और जगने के जो साइकिल होता है वो उसको मैनेज करता है पाइनल ग्लैंड के बारे में अनाटमी वाले भी बहुत ज्यादा नहीं समझते हैं और पर यह माना गया कि 10, 11 12 साल की उम्र तक आते आते इसकी एट्रोफी हो जाती कुछ लोगों ने इसी को थर्ड आई कहना शुरू कर दिया फिर बहुत से लोगों ने किताबें लिख दी और बहुत सारे तथाकथित लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया अभी कल ही कोई मेरे नोटिस में लाए थे और वो ये थी कि वो बंदा कह रहा था कि आपने अगर अपने पाइनल ग्लैंड पर ध्यान कर लिया तुम्हारी तो तीसरी आँख खुल जाएगी उर्दियाँ सिद्धियाँ आ जाएंगी हवा में उड़ सकोगे पानी पे भी चल लोगे भूतकाल का ज्ञान हो जाएगा भविष्य का भी ज्ञान हो जाएगा आ, पे कुछ भी कुछ भी, कुछ भी, भी चल रहा अब आप कह रहे हैं कि पाइनल ग्लैंड के ऊपर मैं ध्यान कैसे करूं तो मतलब थोड़ी सी बात अजीब लगती मुझे सुनने में जो इतना आ, है एरिया में जो मौजूद है मैंने जिसकी जिसकी जो पॉस्टीरियर सुपीरियर लोकेशन जो है वो सेरिब्रल वेन ऑफ गैलन है अब आपको क्या बोल रहा है मैं अनाटमी बोल रही हूं बात नहीं बनती <laughs> इसके अगर मेल फंक्शनिंग हो जाए तो लोगों के अंदर जैसे इस पे ट्यूमर ग्रो हो सकता है इसके ऊपर कई बार सिस्ट भी बन जाते हैं तो इसकी मेल फंक्शनिंग जब होगी तो आदमी के बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस ख़राब हो जाते हैं और इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन है वो है मेलाटोनिन की सिक्रिशन फिर वही बात आपके नींद को लाने में जो सबसे बड़ा रोल अदा करता है वो हार्मोन मेलाटोनिन ऐसे में इसमें आप यूँ समझिए दिन के समय में मेलाटोनिन कम होता है जितनी धूप और रोशनी ज्यादा होगी ना मेलाटोनिन कम होगा सूर्य छिप गया अंधेरा होना शुरू हो गया जूं ज्यू अंधेरा होना शुरू होगा तो आपका मेलाटोनिन लेवल बढ़ने लग जाता है बट अब यहां आती एक समस्या समस्या यह है कि आजकल हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी है हम और उस पर एलईडी के बल्ब हमारे यहाँ एक अभी दिवाली की लाइटें लग रही थी तो मैंने जो काम कर रहे थे उनसे पूछा मैंने कहा ये ये क्या लगा रहे हो कहता ये जो लेडी लाइट है ना मैं पेड़ में चढ़ाने लगा ये लेडी लाइट जो है ना अभी मैं इसको पेड़ पे चढ़ा दूंगा मैंने कहा कोई जेंट लाइट नहीं तेरे पास कि सारी लेडी लाइट ही है अब वो एल ई -E बोले उन्होंने लेडी बना दिया उसको तो ये जितनी लेडी लाइटें तुमने घरों में लगा रखी है ना एलईडी के बल्ब जितने एक्चुअली ये वाइट लाइट एंड वेरी स्ट्रॉन्ग लाइट इज वेरी 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 बैड फॉर योर पाइनियल ग्लैंड वेरी वेरी बैड फॉर योर ब्रेन आजकल लोगों के घर में जाओ ना तो जैसे वो लाइट ऑन करते हैं तो लगता है किसी साड़ी के शोरूम में आ गए हम इतनी तेज लाइट है और है सारी लेडी लाइट है लेडी चमकियां मार दिया ने ना तो वो चमके पड़ रही हैं। सो so, अब ये जितनी ज्यादा तेज रोशनी आप शाम के वक्त पर आंखों पे आने देंगे ये ही एक बहुत बड़ा कारण है कि शरीर में स्ट्रेस लेवल इस लाइट से लेडी स्ट्रेस बहुत देती <laughs> हाँ, तो दूसरा ये है कि आप अगर ये चाहते हैं आपका कोर्टिसोल लेवल ये भी एक हार्मोन होता है जो कि स्ट्रेस हार्मोन है ये कम रहे और आपकी नींद ठीक रहे और मेलाटोनिन ठीक से सीक्रेट होता रहे तो घर से लेडी लाइटों को हटा दीजिए और उसकी जगह पर येलो लाइट होनी चाहिए हल्की रोशनी होनी चाहिए मैंने एकाद लैंप कुछ जगा दिया हाँ जो बच्चे पढ़ते हैं तो उनको स्टडी टेबल पर एक फोकस लाइट दे दीजिए जो उनकी किताब पर रोशनी करे और वो ठीक से पढ़ ले अब इसमें भी आजकल बहुत से जो सो so कॉल्ड महंगे स्कूल हैं वहाँ पर किताबें हैं ही नहीं वहाँ पर आईपैड्स और लैपटॉप्स चल रहे हैं बच्चे सारा दिन वो स्क्रीन में घुसे रहते पढ़ाई के लिए अब ये जो स्क्रीन है इससे जो लाइट आती है ये आँखों के ज़रिए फिर से हमारे दिमाग पे बहुत खराब प्रभाव लाती है इसलिए बहुत छोटी उम्र के बच्चों में एडीएचडी की बीमारी आ रही है बच्चों में डिप्रेशन आ रहा है बच्चे हाइपर हो जाते हैं बहुत गुस्सा आता है फिर ये जो बच्चे हैं हाइपर होके लड़ते फिरते हैं रोड रेज होता है घर में बहन भाई से लड़ते हैं माँ बाप से लड़ रहे हैं तब मुझे नहीं मालूम कि अच्छा मॉडर्न और महंगा स्कूल होने का मतलब ये स्क्रीन्स बच्चों के हाथ में देना क्यों हो गया मेरी ये बात जो कोई सुन या समझ रहे हों तो मेरा आग्रह है कि बच्चों को आईपैड एक्सपोजर्स नहीं देने चाहिए बिल्कुल नहीं देने चाहिए जो स्टडी मटेरियल है वो जो पुराना सिस्टम था ना बुक्स वाला वही होनी चाहिए मे बी यू कीप द बुक्स इन द स्कूल और स्कूल में ही अच्छी पढ़ाई अगर हो जाए तो फिर आवश्यकता ही क्यों रह जाए आ, फिर फिर पढ़ने की मेरे हिसाब से अगर बच्चों का बौद्धिक लेवल अच्छा बनाया जाए कैसे बनाया जाए उसका एक छोटा सा ये मेरे को आज पीयूष गोस्वामी यहाँ है नहीं क्या पीयूष गोस्वामी अरे कहीं अजब चलिए जब तक यहाँ अटक गया या एनी हाँ it's hai ki i am reaching out to you with the immense gratitude and reverence as I, I was on the threshold i am on the threshold of a new chapter in my life by your blessing and transformative power of yog nidra i have been fortunate enough to receive a scholarship to pursue medicine of surgery in italy भारत की जो वर्ल्ड क्यूएस रैंकिंग जो होती है उसमें उसको ट्वेंटी फोर्थ नंबर आया रैंक आया है और उसका ये कहना है कि मैं ये जानता हूं कि ये मेरी वैसे तो पर्सनल अचीवमेंट है पर आपके विवेक और जो प्रिंसिपल्स आपने मुझे सिखाए हैं और योग निद्रा का अभ्यास जो मैं करता रहा हूं उससे मन शांत क्लैरिटी रेजिलियंस और ये सब का प्रभाव ये रहा कि आई मैट द इंटरनेशनल मेडिकल एडमिशन टेस्ट और नीट दोनों को मैंने अच्छे से क्लियर किया है और इंटरनेशनल वाले में उसको ट्वेंटी फोर्थ रैंक आया है और अभी स्कॉलरशिप पर वो इटली में पढ़ने के लिए जा रहा है अब ये बच्चे ने क्या अलग काम किया पढ़ाई तो सब बच्चे कर रहे हैं लेकिन इसने योग निद्रा को जोड़ लिया और योग निद्रा का अभ्यास करते रहने से मन की एकाग्रता और मन की जिसको हम कहेंगे मेमोरी पावर वो बहुत जबरदस्त एनहांस हो जाती है और स्टूडेंट को क्या चाहिए गुड मेमोरी और स्टूडेंट को क्या चाहिए एकाग्रता सो कॉन्सेंट्रेशन एंड अ स्ट्रांग मेमोरी दैट विल हैपन ऑटोमेटिकली इफ द स्टूडेंट बिगिंस टू डू योग निद्रा आपने सुन पढ़ा ही होगा न्यूज़पेपर्स में कभी कोटा कभी दिल्ली आ, नीट की तैयारी बच्चे कर रहे हैं जेई की तैयारी कर रहे हैं और सुइसाइड्स हो रहे हैं इसी एक साल में अभी तलक पचास का आंकड़ा पार हो चुका हुआ है यंग बच्चे सोलह सत्रह पंद्रह अपने आप को मार लेते जो जितना स्ट्रेस उनके ऊपर है उसे बर्दाश्त नहीं कर पाते उन्हें ये दिखता है कि मां बाप ने पैसा खर्च किया है माँ बाप की अपेक्षाएं हैं कि क्लियर कर जाए कॉम्पिटिटिव एग्जाम को और उसे दिख रहा है कि मेरे से हो नहीं रहा है या मेरे लेफ्ट राइट कोई है तो मुझसे ज्यादा अच्छा है तो उसे लगता है मैं तो पास नहीं हो पाऊंगा जहर खा लेता है पंखे से लटक जाता है अजीब बात है पर मैं इस पीयूष की जो ये जो पत्र दिया है उसने और उसकी इस अचीवमेंट uh, के लिए मैं ये कहूंगी कि अगर हम स्टूडेंट्स के ब्रेन डेवलपमेंट और स्टेटस ऑफ द माइंड उसको हम ठीक कर लेते हैं फिर कोई भी पढ़ाई करनी मुश्किल नहीं रह जाएगी आई क्यू लेवल्स ऑफ कोर्स अगर कम है तो मुश्किल होगी बट हाउ डज द आई क्यू लेवल ऑफ एनी स्टूडेंट Can be um, made better or how can we increase the graph? And that is of course by doing Yoga Nidra and by doing Pranayama.